भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। जी हां, भारत ने पहले 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए और शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक जड़ा। ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और उन्होंने कुल 149 गेंदों का सामना करते हुए 208 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने कुल 19 चौके और 9 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट पूरी पारी के दौरान 139.6 का रहा। इसके अलावा भारतीय टीम का कोई और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, क्योंकि शुभमन गिल के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 34 रन बनाए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 31 रन निकले, हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाए, वाशिंगटन सुंदर ने 12 रन का स्कोर किया। तो वहीं शुभमन गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश दौरे पर ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से दोहरा शतक लगाया था और अब शुभमन गिल ने भी ये इतिहास रच दिया है। इससे पहले भारत के लिए सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं। अब ईशान किशन और उसके बाद शुभमन गिल का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। गौरतलब है कि शुभमन गिल सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने 23 साल 132 दिन में शानदार तरीके से दोहरा शतक जड़ा है। इससे पहले ईशान किशन ने 24 साल 145 दिन में दोहरा शतक जड़ा था, जबकि रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक 26 साल 186 दिन में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में लगाया था। तो कुछ इस तरीके से शुभमन गिल ने इतिहास रचा है और शानदार तरीके से उन्होंने ये बता दिया है कि वो लंबे वक्त तक भारत के लिए खेलने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत ने पिछले 4 ओडीआई मुकाबलों में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने आखिरी वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि टीम इंडिया को वहां पर सीरीज में हार मिली थी, उसके बाद से टीम इंडिया पीछे मुड़कर नहीं देख रही है। साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दमदार तरीके से भारत ने 3-0 से सीरीज जीत ली। विराट कोहली भी बेहतरीन फॉर्म में आ गए और 2 शतक उन्होंने भी श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे। और अब शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जड़कर बता दिया कि भारत का अभियान विश्व कप का शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करती रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से शुभमन गिल ने धमाकेदार और शानदार दोहरा शतक जड़ा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।